नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज मैं मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का दौर चला और ये हालांकि वर्ल्ड वाइड मार्केट में तो कंटिन्यूसली पिछले 4-5 दिनों से हो ही रहा था। हम थोड़ा सा जो है रेजिलियंट होकर के बैठे हुए थे कि नहीं, हम जो है एकदम नहीं गिरेंगे, लेकिन आज जो है कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ फ्लोज भी रही जिसकी वजह से भी मार्केट को एक मौका मिला। हालांकि कुछ सेबी की तरफ से इस तरह की गाइडलाइंस आई कि कुछ FIIs अकाउंट्स ऐसे चल रहे हैं जिनके की KYC कंप्लाइंसेज आर नॉट कंप्लीट, उसका एक डेडलाइन भी दिया हुआ था, बट आज जो है ये बोल दिया गया कि भाई आज की डेट में जिन्होंने भी ये कंप्लाइंस नहीं किया हुआ होगा उनके जो है अकाउंट्स को लॉक कर दिया जाएगा या फिर उनसे पूरी तरीके से पूछताछ की जाएगी कि ये जो पैसा ये मार्केट में ला रहे हैं ये किसका पैसा है, कहाँ से आ रहा है। तो वो भी एक सेंटिमेंट का नेगेटिव बनने का कारण बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगातार 14-15 दिनों की एक रैली हमने देखी, उसके बाद एक रेसिलियंस देखी जहां पे कि जो वर्ल्ड मार्केट है वो जितना गिर रहे थे उसके अगेंस्ट में हम काफ़ी कम गिर रहे थे या फिर नहीं गिर रहे थे। तो एक ड्यू था एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन, जो कि 1.25% का एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन आज हम लोगों ने अपने इंडियन मार्केट्स के अंदर देखा। निफ्टी लगभग 292 पॉइंट गिर के बंद हुआ, 1.17%। सेंसेक्स में भी 1017 पॉइंट की जो है गिरावट रही 1.24% की। बैंक इंडेक्स ने काफ़ी डाउनफॉल आज दिया, 1.74% गिर के जो है 896 पॉइंट्स गिर करके आज बैंक निफ्टी बंद हुआ। और IT इंडेक्स में भी लगभग 1% यानी कि 0.97% की गिरावट रही 415 पॉइंट की। स्मॉल एंड मिड कैप्स ने भी आज साथ नहीं दे पाए, वो भी लगभग 0.96% गिर के 543 पॉइंट नीचे जो है बंद हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स जो है हमारा। उसकी वजह से मार्केट ब्रेथ बहुत ही नेगेटिव रही, 629 बढ़ने वाले शेयर्स थे उनके अगेंस्ट में 1783 घटने वाले शेयर्स खड़े हुए थे, जिसका कि इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट में इवन आपके पोर्टफोलियो में भी आपको देखने को मिला होगा। तो देख लेते हैं अब कौन से लेवल्स मार्केट में आज के प्राइस एंड एक्शन के बाद दिखाई दे रहे हैं जिनको कि हमें वॉचफुल रहना चाहिए या फिर क्या इंडिकेशन हमें मार्केट के प्राइस एंड एक्शन से आ रहा है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है, एक बड़ी सी कैंडल है जिसने कि आज अपना ओपन 25,093 के लेवल से माने कि गैप डाउन ओपनिंग दिया। उसके बाद क्योंकि वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद 25,078 का एक सपोर्ट लेवल था उसके पास से ऊपर जाने की कोशिश करी, हाइज जो है बनाए 25,168, लगभग आप ये मान के चलें कि 70 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश भी करी, क्योंकि एक रीसेंट हाई का जो एक सपोर्ट लेवल था वो दिखाई दे रहा था, वो उसी के आसपास जो ओपनिंग हुई थी, लेकिन वो ऊपर जाने की कोशिश पूरी तरीके से सफल नहीं हुई क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ का फ्लो भी था, वर्ल्ड वाइड मार्केट सब गिर रहे हैं और US में भी जो है थोड़ा सा एक ग्रोथ को लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के कंसर्न बना हुआ है। बट ये बहुत ही असमंजस की सी स्थिति है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कंसर्न बना हुआ है और उसका एक फ़ायदा जो है आपको फेड रेट कट्स में भी मिल सकता है। तो देखते हैं जो ये 15-16 तारीख के आसपास जो एक डिसीजन आने वाला है, US फेड रेट कट करती है तो कितना करती है, तो उससे क्या जो है निकल करके आता है। तो इस वजह से उस एक बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सेशन हर जगह ही चल रहा है और आज हमारा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो भी उसका हिस्सा बना। तो अल्टीमेटली जो हमारा सबसे सॉलिड सपोर्ट जो पूरे एक हफ्ते से बरकरार था 24906 और 24874, उसको ब्रीच करते हुए आज जो क्लोजिंग मिली है 24852 के ऊपर मिली है और 24852 पे जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं 24800 के लेवल्स को प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश है। और एक जो ये ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन हालांकि ये अभी चार्ट हमने एक्सपेंड किया हुआ है, अब इसको अगर हम छोटा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ से चल रही है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पहली बार जब मिला था वो मिला था 5 जून 2024 को, जब एक बहुत बड़ी रेड कैंडल जो इलेक्शन वाला जो है मार्केट फॉल हुआ था वहाँ से एक सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ा था, वहाँ से ये ट्रेंड लाइन चली और इसने फिर नेक्स्ट टाइम जब इस ट्रेंड लाइन ने अपने आप को ऑथेंटिसिटी अपने सपोर्ट की शो करी वो डेट थी 14 अगस्त और फिर उसके बाद इस बार आज तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ने इंडियन स्टॉक मार्केट्स को निफ्टी लेवल्स को एक प्रोटेक्शन दी है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है मार्केट तो फिर जो है एक नया सपोर्ट लेवल जो शुरू होगा वो है रीसेंट लो आएगा 23,893 और उससे पहले कहीं पे भी सपोर्ट लेकर के या तो ऊपर जा सकता है नहीं तो फिर उसके नीचे कोई और
ऐसा विजिबल सपोर्ट नहीं है जो आप देख पाए। हाँ, एक छोटा सा जो है आप यहाँ पे 24,134 के थोड़ा सा ऊपर एक सपोर्ट और देख सकते हैं, जो कि जहां से कि एक बार एक रिवर्सल लेकर के मार्केट्स ऊपर की तरफ चले थे। तो 24,134 और 23,893, 23,824 ये दो सपोर्ट एरियाज हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके जहां पे कि आज मार्केट रुका है 24,852 के पास, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके अगर मंडे को मार्केट और एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन के साथ ट्रेड करता है तो, और अगर वीकेंड्स पे हालात सुधर जाते हैं तो ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम भी मिल सकता है। तो ये एक ऐसी जगह है जो कि मेक और ब्रेक सिचुएशन क्रिएट करती है, और एक तरीके से देखा जाए तो वीक टू वीक पूरे एक हफ्ते का जो भी गेन पिछले हफ्ते हम लोगों ने अर्न किया था निफ्टी लेवल्स के ऊपर, पूरा का पूरा हमने गिव अप कर दिया है। अब जो है हम उसी स्थिति में हैं जहाँ पे कि हम दो हफ्ते पहले, माने लास्ट वीक जो स्टार्ट हुआ था उसकी शुरुआत में हम जहाँ थे वहीं पर आकर के हम खड़े हो गए। ठीक है, तो देखते हैं मंडे मार्केट क्या रुख दिखाता है। फिलहाल जो ऑब्जर्व करने वाले जो लेवल्स हैं वो यही हैं, पहला सबसे पहला लेवल यही है जहाँ पे कि क्लोज हुआ है। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है, या तो यहाँ पे से अगर हम नीचे जाएंगे तो बहुत नीचे जाने की संभावनाएं हैं, उसके लेवल्स रहेंगे 24,134 और 23,893, और ऊपर अगर हम जाते हैं तो अब जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहे थे 24,874 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा, फिर 24,906 हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा, और फिर उसके बाद जो है हम रीसेंट हाइज की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि 25,078, 25,235, 25,268 ये जो है रीसेंट वीक के जो हाइज लेवल्स थे, ये रेजिस्टेंस अगर हम हमारे लिए पहले इनिशियल रेजिस्टेंसेज ये होंगे, उसके बाद एक नया अपवर्ड डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था आज के निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस, और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आज सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। हालांकि पता हम सभी को है जो भी मार्केट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जब मार्केट इतना गिरता है तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जिसने अपने आप को संभालने की कोशिश करी, सारे के सारे लेवल्स जो है एक सुर में नीचे की तरफ उन्होंने अपना डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि सब में प्रॉफिट बुकिंग थी, किसी में थोड़ी कम किसी में थोड़ी ज़्यादा, बट एक डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग सेशन ऑल ओवर सेक्टर्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिला है। वर्ल्ड वाइड मार्केट का क्या सिचुएशन बन रहा है, वर्ल्ड वाइड मार्केट की सिचुएशन अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है डाउ जोन्स का चार्ट, जो कि गैप डाउन होकर के, फ्यूचर चार्ट गैप डाउन होकर के ट्रेड कर रहा है कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन में। इवन पिछले तीन दिन का अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली एक डाउनवर्ड मोमेंटम बना हुआ है, और उसी को इंडिकेट भी कर रहा है फ्यूचर चार्ट जो डाउ जोन्स का है कि भाई शाम को हम कारोबार जो करना चाहते हैं वो इंडिकेशंस इस बात के मिल रहे हैं कि गैप डाउन होकर के ही ओपन होंगे। एक्चुअली क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जब डाउ जोन्स का मार्केट यानी कि यूएस मार्केट जो है ओपन होंगे, राइट। यूरोपियन मार्केट जो कि कारोबार ऑलरेडी कर रहे हैं सुबह दोपहर से हमारे साथ, तो ये वहां पे अभी सिचुएशन है। फ्रांस की मार्केट कंटिन्यूअसली चार दिन से गिर रही है, और यहां पे भी आज लगभग 0.5% की गिरावट है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, कंटिन्यूअसली ये एक डाउनफॉल है। अब ये कहां जाके रुकेगा एज पर द प्राइस इन एक्शन, तो एक जो सपोर्ट दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है कि जो नियरेस्ट लो है उसके पास, बट नियरेस्ट लो तक अगर ये जाता है तो पूरा का पूरा जो एक अपवर्ड मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए फॉर द पोजिशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं जर्मनी, जर्मनी ने भी मार्केट में हालांकि पिछले तीन दिन या चार दिन से देखें तो जो है एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन बनाया हुआ है, बट आज थोड़ा सा जो है रिकवर होकर के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। पिछले दो दिन अपने एक सर्टेन लेवल्स को इसने नहीं ब्रीच किया था, बट आज तो जो है उस लेवल को भी ब्रीच किया है, और बस ये है कि उस लेवल को फिर दोबारा अचीव करने की कोशिश में लगा हुआ है, और वो लेवल है आपका ये जो पिछले दो दिनों के जो ट्रेड्स हुए हैं 18,537 के आसपास, और यहाँ पे से अगर ये एक सपोर्ट फॉर्म करता है तो हो सकता है आगे पॉजिटिविटी आए, बट नियर बाय तो अभी कोई भी सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ से गिरना शुरू करेगा तो रीसेंट लोज तक जो है गिरते रहने के चांसेस हैं, उस बीच में जहाँ पे भी रुक करके अगर अपना बेस फॉर्मेशन बनाता है तो वो एक नया सपोर्ट के रूप में काउंट किया जाएगा। ये है आपका यूके का चार्ट प्राइस एंड एक्शन, आज जो है लगभग 0.39% के लॉसेस के साथ ट्रेड करता हुआ, और लगातार पांच दिनों से मतलब पूरे हफ्ते जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना रहा है, और एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना है, कहीं पे भी कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा था, और आज और उन लॉसेस को जो है और एक्सटेंड करने का काम किया है। यहाँ पे भी सिनेरियो वही है, पांच या
6 अगस्त के जो लोज बने थे उससे पहले कोई भी सपोर्ट लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो फिर यहीं से अपवर्ड मोमेंटम बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रीसेंट लोज को अगर ये टच करते हैं तो बहुत बड़ा एक लॉस आपको यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जापान के मार्केट्स ने तो एकदम ही जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग सेशंस जो है चालू रखे हुए हैं। 2.5% की गिरावट के साथ आज जापान के मार्केट बंद हुए हैं, और लगातार ये सिनेरियो हम जो ये डोजी कैंडल बना था इसके बाद से, या फिर स्पिनिंग टॉप आप इसको बोलें, इसके बाद से जो है कंटिन्यूसली 4 दिन प्रॉफिट बुकिंग, बीच में एक दिन ज़रूर कल का दिन था जहाँ पे थोड़े से रिकवरी के चांस वो प्राइस एंड एक्शन को जो है शो किया था, बट आज फिर जो है हैवी गिरावट के साथ, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मार्केट में सारे इंडिकेशंस वीकेंड पे यही आ रहे हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो चल रहा है। कुछ कॉशन जो है बड़े इवेंट से पहले सभी मार्केट्स फॉलो करना चाहते हैं, और एक लंबा जो हर जगह हर चार्ट में जब आप देखेंगे एक बड़ा रैली जो है कम से कम 6 फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हर एक मार्केट के अंदर, हर वर्ल्ड के हर एक मार्केट के अंदर जो मिली है उसका एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। जहाँ पे भी यहाँ से सपोर्ट बन करके बेस फॉर्मेशन बन के ऊपर की तरफ अगर जाना शुरू होता है तो वो एक नया सपोर्ट के रूप में क्रिएट होगा। उससे पहले जो रीसेंट लो है वही जो है एक सपोर्ट है, और वहाँ तक पहुँचने का मतलब बहुत बड़ा फॉल, क्यों हम जहाँ थे फिर वहीं के वहीं पहुँच जाएंगे। एक पुरानी जो गिरावट शुरू हुई थी वहाँ से जहाँ से रिकवरी शुरू हुई, उस रिकवरी वाले उस पूरी रिकवरी को लूज करना कहलाएगा अगर हम रीसेंट लोज पे पहुँच जाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ये है आज का वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसने पूरी कोशिश करी आज 16 के लेवल को अचीव करने की, हालांकि जो है हाईज बनाए 15.67, बट 15 का जो लेवल है उसको ब्रीच करके क्लोज कर दिया है, और विच इज़ नॉट अ बिट गुड, वॉट यू कैन से लाइक वो एक अच्छी फीलिंग नहीं है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़े। 15-16 तक रह करके वहीं से फिर एक थोड़ी सी नरमी दिखाना शुरू कर दे तो आप ये मान सकते हैं कि आगे जो है एक मोमेंटम अपवर्ड साइड का क्रिएट होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। लेकिन अभी भी हम ये मान के चलते हैं 15-16 इस ठीक है, होता है, स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट फिक्स डिपॉजिट मार्केट की तरह काम नहीं करता है। यहाँ पे अगर दिन में 2% बढ़ते हैं तो दिन में 1% गिरने का भी जज्बा इस मार्केट में रहता है, तो वो तभी रहता है जब यहाँ पे वोलेटिलिटी है, यानी कि खरीदार और बिकवाल दोनों एक दूसरे के साथ रस्साकशी कर रहे हैं। तो अगर 14 दिन खरीदारों के थे और एक दिन अगर बिकवाल का हो गया तो इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं है, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स भी शो कर रहा है। चलिए देखते हैं कि आज जो है हमारा 100 ट्रेड चैलेंज का क्या हुआ। उससे पहले आपके सामने ये सारे के सारे रूल्स हैं जो कि इंट्राडे कॉन्ट्रा निफ्टी ट्रेड स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जो कि कॉन्ट्रा साइड पे बनाई गई है, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि किसी दिन कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है, किसी दिन कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है, बट एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द ईयर अगर आपका स्ट्राइक रेट 40-45% रह रहा है, 35-40% के बीच में रह रहा है 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग में अपने ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आप अर्न कर रहे हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रैटेजी हर दिन चले, आज किसी स्ट्रैटेजी का दिन है तो कल किसी और स्ट्रैटेजी का दिन होगा, और एक जो भी ट्रेडर होता है वो अपने 2-3 स्ट्रैटेजीज के साथ मार्केट को ट्रेड कर रहा होता है, तो इस तरीके से उसका एक एवरेज क्रिएट हो जाता है मार्केट में ट्रेडिंग बिजनेस से अर्निंग करने को लेकर के, वो उसको अपने पूरा के पूरे रिस्क एंड रिवॉर्ड और उसके अपने मनी मैनेजमेंट के साथ और उसके स्ट्राइक रेट किस तरीके से काम कर रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, उस हिसाब से उसको वो डिसाइड करना होता है। तो वन ऑफ द वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी जहाँ पे कि मैं आपको मनी मैनेजमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड समझाना चाहता हूँ कि जिससे कि आपको ये समझ में आए कि स्ट्रैटेजी जो है 10% रोल प्ले करती है, बाकी सारा काम साइकोलॉजी का होता है और मनी मैनेजमेंट का होता है जो कि रूल्स के हिसाब से आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज किस तरीके से मार्केट ने मौका दिया हमारे लेवल्स को यूटिलाइज करने का इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर। मार्केट आज गैप डाउन होकर के ओपन हुआ, पहला ये 3 मिनट का कैंडल, इसकी ओपनिंग 25,189 के ऊपर आ रही है, और यहाँ से जो है हमारे पास 2 लेवल्स दिखाई दे रहे थे, एक दिखाई दे रहा था आपका 25,154 और दूसरा लेवल जो दिखाई दे रहा था 25,225।
25,154 पे सेकंड कैंडल ने आकर के हिट किया, यहाँ पे हमारा बाई का पोजीशन बनना चाहिए था, और ये बाई का पोजीशन अगर हमने डाल के रखा होगा तो यहाँ पे उसने अपना बाई का ऑर्डर ट्रिगर कर दिया। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट के टारगेट के साथ हमने अपनी पोजीशन बनाई एज पर दी रूल, और हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे 9:39 के कैंडल पे हिट हो गया। फिर हम उसके बाद आराम से बैठ गए क्योंकि हमने एक ट्रेड यहाँ पे लूज कर दिया था। अब हमारे पास जहाँ पे मार्केट का प्राइस चल रहा था वहाँ पे दो लेवल्स ऊपर और नीचे के कौन कौन से थे, 25,154 और 25,014। अब 25,154 पे हमने शॉर्ट का पोजीशन लगा के रखा था, वहाँ पे वापस आया नहीं, लेकिन 25,014 के ऊपर हमारा बाई का पोजीशन जो है हमारा जो ऑर्डर हमारा लगा हुआ था वो एग्जीक्यूट हुआ एग्जैक्टली कितने बजे, 10 बजे, और वहां से फिर हमने 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा करके एक बाई की पोजीशन बनाई। जब बाई की पोजीशन बनाई तो यहां पे फिर से हमारा, क्योंकि आज मार्केट में हैवी करेक्शन का माहौल था, तो हैवी करेक्शन इन द सेंस कि एज कंपेयर टू रिसेंट डेज, हालांकि 1-1.5% को इतना बड़ा करेक्शन होता नहीं है जब आप 14-15 दिन चल लेते हैं कंटिन्यूसली बिना गिरे, तो 1-1.5% का जो करेक्शन का एक माहौल पूरा बना हुआ था उसके चलते 15 मिनट के अंदर ही आपका सेकंड स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया है। यानी कि आज का एक ऐसा दिन था जिसने आपको एक बिटर एक्सपीरियंस दिया, बैक टू बैक दोनों ही स्टॉप लॉसेस आपके ट्रिगर होते हुए दिखाई दिए। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर आपने अपने 100 पॉइंट्स जो है लूज किए और अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद कर दिया एज पर दी रूल, बाकी ओवर ट्रेडिंग वाले जोन में नहीं जाना है। देखते हैं, हमने फिर इसको अपने ट्रेड बुक में लिख दिया कि 6/9/2024 को निफ्टी को ट्रेड किया गया और दो ट्रेड्स मिली, दोनों के दोनों स्टॉप लॉस हिट हुए। नंबर ऑफ डेज आज हो गए हैं 27, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए हैं 21, विनिंग ट्रेड्स अभी भी 8 हैं, लूजिंग ट्रेड्स आज की दो लूज ट्रेड्स मिला करके 13 हो चुकी हैं, और हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है 5.36% के प्रॉफिट के साथ चल रहा है। मंथली टारगेट हमारा 4% है और नंबर ऑफ मंथ्स हो चुके हैं 1.05, मंथली रिटर्न जो है 5.10 चल रहा है। हमारा टारगेट है 4%, ये कभी 3% भी जाएगा, 2% भी जाएगा, माइनस में भी जाएगा 100 ट्रेड्स आने तक, लेकिन आपको 100 ट्रेड्स आने तक अपने साइकोलॉजी को वीक नहीं पड़ने देना है। यही जो है लर्निंग है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की, और जब आप 100 ट्रेड्स के साथ किसी भी सर्टेन रूल्स को, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे विद सर्टेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड मनी मैनेजमेंट के साथ, यू विल योरसेल्फ सी कि किस तरीके से मार्केट आपको पे बैक करता है। तो ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, वीकेंड को एंजॉय करिए, फुली चार्ज हो जाइए, और फिर मंडे को बैटल फील्ड में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। बाय बाय, सी यू ऑन मंडे विद प्री मार्केट एनालिसिस, और बाकी के जो हमारे सेगमेंट्स हैं वीकेंड्स पे वो तो आपके सामने आते ही रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। बाय बाय।